सरकारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के उप सेवा केंद्र नगर की प्रभारी राजयोगिनी हीरा बहन की अध्यक्षता में पंचायत मुख्यालय तसई में 88वां त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं मुख्य मार्गों से प्रभात फेरी व कलश यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में महिलाएं हाथों में शिव ध्वज लेकर पंक्तिबद्ध ज्ञान वर्धक नारे लगाते हुए जब छोड़ो के पांच विकार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार, हम क्या लाएंगे राम राज्य आदि नारों से गांव का वातावरण अध्यात्ममय हो गया। तत्पश्चात एक आध्यात्मिक सार्वजनिक कार्यक्रम लक्ष्मी नारक्षण मंदिर प्रांगण में राजयोगिनी हीरा बहन के आतिथ्य में आयोजित किया गया। ध्वजारोहण में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। ब्रह्म कुमारी तारेश बहन ने अपनी उद्बोधन में संस्था का परिचय देते हुए कहा कि संस्था विश्व में समाप्त हो चुके मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना व मनोविकृतियों से मुक्ति व शांति स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। ब्रह्म कुमारी प्रीति बहन ने परमात्मा का सत्य परिचय देते हुए अपने उद्बोधन में कहा कि परमात्मा एक है, वह निराकार ज्योति स्वरूप शिव है जिसे संसार में अनेकों धर्मों के अनुयायियों अनेक नाम से पुकारते हैं। परमात्मा शिव सदैव कल्याणकारी है तथा उन्हें सच्चे मन से याद करने में बहुत जल्दी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ब्रह्म कुमारी नीता बहन ने एक कविता परमात्मा की चेतावनी सुनाई। ब्रह्म कुमारी डिंपल बहन में ब्रह्म कुमार रामचरण ने संस्था के मुख्यालय माउंट आबू के अपने अनुभवों को साझा किया। ब्रह्म कुमारी रजनी बहन ने बताया कि श्रोताओं का धन्यवाद प्रेषित किया। मंच का संचालन ब्रह्म कुमार तिलक राज ने किया। कार्यक्रम में बहन मछला, पिंकी देवी, रजनी देवी, पार्वती देवी, राजकुमार, योगेश कुमार, बलबीर सिंह आदि मौजूद रहे।